एक्टर तब तक मुकम्मल एक्टर नहीं बनता जब तक कोई वॉर फिल्म ना करता। जिस घर मेरे फादर इन लॉ दीपिका के डैड वो रिटायर्ड कर्नल है आर्मी में, हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। कोई भी कपल हो उसके बीच में हमेशा वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, एक दूसरे का ख्याल वो होना ही चाहिए। आई थिंक हमारी फिल्म अब हर वो इंसान देख सकेगा जहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी, छोटे से छोटे कोने में क्यों ना हो। यस, कि हमारा पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है। Hi Shoaib, welcome to East tonight. Hi Murtuza, hi, thank you. So, you know, first of all, how excited you are. Your first Bollywood film, yes. Battalion 609, is going to have its digital debut on Shemaroo Me. So, how excited you are for it? I think bahut zyada, kyunki pehli cheez hamesha pehli hoti hai. Aur jab ye film release hui thi, jab ye film shoot hui thi, us waqt bhi bahut zyada excitement tha. Aur is waqt bhi bahut zyada excitement hai ki ab hamari film, kuch jagah aisi hoti hai ki hamari film nahi pahunch paati hai wahan tak. To I think ये मीडियम ऐसा है कि फ़ोन तो आई थिंक 80% आजकल हर एक के पास है, और हमारे इंडिया में आजकल नेट इतना सस्ता है तो पैकेज इतने अच्छे अच्छे होते हैं तो डेटा पैक के, तो आई थिंक हमारी फिल्म अब हर वो इंसान देख सकेगा जहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी, छोटे से छोटे कोने में क्यों ना हो। तो यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। So what do you have to say about the Shemaroo Me thing? You know, they have come up with this app and, you know, every Friday they are doing a digital premiere. So, you know, as you said that, you know, unfortunately, kuch movies nahi ho paati hai, box office pe nahi chal paati, but digitally they work well. So what do you have to say about the Shemaroo's initiative? I think Shemaroo ek aisi company hai jisko hum bahut pehle se, one of the, I think, best hai, bigger hai, keh sakte hain aap, pehle ki sari movies to I think bade bachchan saab se leke, cheezon ko leke. To yes, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि शेमारू ने हमारी फिल्म को लिया है। और जैसे यू नो, मैंने एक चीज़ मार्क की है, आपने जब बॉलीवुड डेब्यू किया यू प्लेड आर्मी ऑफिसर, दीपिका ने जब बॉलीवुड डेब्यू किया था वो आर्मी ऑफिसर की वाइफ बनी थी। तो क्या ये डिस्कशन करके हुआ था कि लेट्स डू द बॉलीवुड डेब्यू लाइक दिस? आई थिंक ये कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है, और कहते हैं ना कि एक मैं अगर अपनी बोलूँ कि कहते ना कि एक एक्टर तब तक मुकम्मल एक्टर नहीं बनता जब तक वो एक वॉर फिल्म ना कर ले। और यस, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी है, मेरे फादर इन लॉ दीपिका के डैड वो रिटायर्ड कर्नल थे आर्मी से, मेरे दादाजी वो आर्मी में थे, तो यस पुराना कनेक्शन चला आ रहा है। और बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करते हैं, बेस्ट फील करते हैं हम दोनों कि हमारा पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है। सो यू नो, एज वी आर टॉकिंग अबाउट यू एंड दीपिका, आप लोगों को एक्चुअली द बेस्ट टेलीविजन कपल कहा जाता है। यू गाइस आर फेमस ऑन टिकटॉक, सोशल मीडिया, एवरीवेयर। व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई रीड द कमेंट्स ऑन योर थिंग, यू दे से दैट यू नो यू गाइस आर गिविंग द कपल गोल्स, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? ऐसा तो आई थिंक ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का एक अपनापन है जो इस चीज़ से हमें वो लोग नवाजते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कपल इन टेलीविजन इंडस्ट्री वैसे भी। और प्यार, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ प्यार करते हैं एक दूसरे से, और कोई भी कपल हो उसके बीच में हमेशा वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, एक दूसरे का ख्याल वो होना ही चाहिए। आई थिंक हर कपल अपने आप में एक बेस्ट कपल बन सकता है छोटी छोटी चीज़ों का। हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं और वही खुशियाँ बड़ी बन जाती हैं। सो आई थिंक सबको ये जानना होगा, एवरी वन देयर, आर यू एंड दीपिका प्लानिंग टू डू समथिंग सून, स्मॉल स्क्रीन, वेब सीरीज और नाउ फिल्म्स? ये तो देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो डिपेंड करता है मेकर्स पे, अगर वो हमें साथ लेना चाहते हैं तो। बट या अगर आप इन फ्यूचर अगर कुछ अच्छा होता है कि हमें लगता है कि साथ हमें काम करना चाहिए तो डेफिनेटली हम करेंगे।